ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। थैंक यू। लेकिन हमारी अटेंशन कहाँ है? कोई 99.9% अटेंशन मेरी हार्डवेयर पर है। That's the problem। आज से हम क्या करेंगे? हम गाड़ी की देखभाल भी करेंगे और हम अपने ड्राइवर को भी ठीक करेंगे। बस फिर बात बन गई। फिर आपको टेंशन नहीं हो सकती है, राइट? अब हम ड्राइवर को कैसे ठीक रखें? बताइए। आप बोलते नहीं, मॉल में चले जाते हैं बार बार। वैसा तो लाल रंग की पोशाक में बैठे। हाँ जी, आपका नाम जी? हाँ बोलो तिवारी भाई। आप नारायण दत्त तिवारी के परिवार से बिलोंग करते हैं? ताली बजा दें प्लीज इनके लिए। आप ताली से होती बजाते हैं, कानपुर वाली ताली बजाते हैं? बताइए तिवारी भाई, क्या होता है? That's the problem। कहीं पे निगाह है, यहाँ है तब तो पता लगेगा। ध्यान तो ये पीयूष भाई का लेक्चर जल्दी पूरा हो तो हम जाके कर लो अपना काम, करे फलाना करे ये करे। That is the problem। तिवारी भाई, बच्चों को आप क्या बोलते हैं बार बार? बच्चे मन लगा के पढ़ो। हाजी है ना जी? क्या बोलते हैं बच्चों को? बच्चे मन लगा के पढ़ो, बच्चे बुद्धि लगा के पढ़ो। आज आप अपने आप से पूछिए, मेरा मन कहाँ है? बताइए आपका मन कहाँ है? कहाँ है मन? मन यहाँ नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मन को यहाँ पर लगाइए, बुद्धि से यहाँ बैठिए अटेंशन में, तब आपको बातें समझ में आएंगी और तब आप स्ट्रेस फ्री हो सकेंगे। बना तो क्या होगा? आए, सुना, चले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो बातें यहां बताई जा रही हैं, उनको धारण करने की शक्ति, उनको रिटेन करने की शक्ति, उनको ग्रहण करने की शक्ति हार्डवेयर में नहीं है। वो शक्ति कहाँ है? वो शक्ति कहाँ है सुरेश भाई? मुस्कुरा के बोलिए प्लीज। वो शक्ति कहाँ है? और सॉफ्टवेयर हमारी यहाँ है नहीं, तो क्या होगा? फिर तो मुश्किल होगी ना। इसलिए सॉफ्टवेयर भी यहाँ रहनी चाहिए। देखो, आप सब मंदिर जाते हैं? हाजी अला जी, मंदिर में जाके क्या करते हैं? बताइए। कहते हैं मुख भगवान का नाम बोलता है और मन दुनिया में डोलता है। हाजी अला जी, हाजी अला जी। और शांति किसको चाहिए, तन को या मन को? तो मन तो वहां है नहीं, फिर कहां से शांति मिलेगी? आप सारी जिंदगी मंदिर जाइए। ठीक है, तो आज हमें यहाँ तन और मन दोनों से बैठना है। क्या करना है आज हमें? क्या करना है? तन से तो आप यहाँ हैं, लेकिन मन आपका कहीं कहीं भाग रहा है। इसलिए गीता में बार बार, अगर आपने गीता पढ़ी हो, मैंने बहुत गीता पढ़ी है, तो गीता में बार 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 एक ही बात आती है। परमात्मा अर्जुन को एक ही बात कहते हैं, अर्जुन मन मना भव। क्या बोलते हैं तिवारी जी? बड़े गंभीर हो गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस। अर्जुन को क्या बताया गया भाइयों बहनों? मन मना भव, मन को मुझ में लगाइए, क्योंकि मन जो है वो अशांत हो गया है, मन जो है बेचैन हो गया है, मन बेआराम हो गया है, और इसके कारण सारी बीमारियां, मेडिकल साइंस कहती है 90% से ज्यादा रोग मनोकायिक हैं। मनोकायिक माने माने पहले बीमारी कहां आई? पहले बीमारी आपके मन में आई, फिर बीमारी आपके तन में आई। तो आज से मैं क्या करना है? अगर मेरा मन ठीक हो जाए तो फिर तन भी ठीक हो गए। ठीक है, तो आज हमें अपने मन को ठीक करना है, राइट? मन को ठीक कैसे करेंगे बताइए? हमारी तीन शक्तियां बैठी हैं, मुस्कुराती नहीं है, बड़ी गंभीर हो गई। मन को ठीक कैसे करेंगे बहन जी? बताइए आपका नाम जी? शिप्रा। बोलिए। दिल्ली में एक बहुत बड़ी शिप्रा मॉल है, आप उसकी मालकिन तो नहीं? ताली बजा दे प्लीज इनके लिए। आप ताली से हल्की बजाते हैं, कानपुर वाली ताली बजाइए।
हाँ जी बोलिए शिवराज जी, मुस्कुरा के बोलेंगे तो राइट आंसर दे सकते हैं। क्या सवाल पूछा? सोच चेंज करना। कैसे करेंगे चेंज? आउट ऑफ सिलेबस? नहीं। नेक्स्ट बहन जी आप बताइए आपका नाम। नहीं आपसे पूछ रहा हूँ जो बीच में बैठी है। अच्छा कुछ नहीं बोलेंगे, नाराज है मुझसे? मैं आपसे मिले दिल्ली से आया हूँ और आप कहते हैं मैं बोलूंगी नहीं। हाँ जी आप बोलिए बहन जी आपका नाम। पॉजिटिव थिंकिंग। आपका नाम बताइए। नितिका का। हाँ जी नितिका जी क्या करेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग। सारी दुनिया नेगेटिव सोच रही है, आप कैसे पॉजिटिव सोच रहे हैं? अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर। परमात्मा से कनेक्शन होता है? होता है। कैसे? आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं। मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या है? योग। योग क्या है? उसका साथ। उसका साथ माने किसका साथ? परमात्मा। कहाँ है वो? हाँ बोलिए ठीक बोल रहे हैं। परमराम। और आप कहाँ हैं? मैं चाहती हूँ उसके पास। आप जाती हैं? ये जाना चाहती हैं? जाती हूँ। ओके तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई बोल रहे? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मन को दुरुस्त करना पड़ेगा। किसको ठीक करना है? हमें किसको ठीक करना है? अपने मन को ठीक करना है।